क्या हो गया क्या, यानी कुछ भी, कैमरे में आने के लिए कुछ भी, आवाज़ दे के करना क्या चाहते ये लोग। ओ भाई भाई, अभी 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 ये ठोकता बज रहे हैं 11, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 घंटा, 5.5 घंटे में इसकी पूरी सर्विस हो जाने वाली है गाड़ी। क्या बंदा है तू यार। गाइस ने कितनी बड़ी भूल किया पता है, अभी जहाँ पे सर्विस सेंटर गए थे वहाँ पे इसकी जो चाबी थी की, उसके अंदर इसने अपने घर की चाबी फिट करके रखा था बताओ, और ये निकालना भूल गया। चेक कर सकते हो अल्टो पे भी, जो अपने साइड मिरर होते हैं राइट और लेफ्ट दोनों चेंज कर। ये बात, ओ भाई साहब। Hey guys, welcome back to the Unlock। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चेक कर सकते हो सामने दोनों गाड़ी खड़ी है, एक सागर की है और एक अपनी अपाचे खड़ी है। तो आज इस वीडियो में गाइस सागर का जो बाइक है उसको सर्विस सेंटर में ले जाना है, उसका सर्विस का टाइम हो चुका है, तो आज इसको ले जाने वाले सर्विस सेंटर। और अभी हम हैं गैरेज पे, और यहाँ से सर्विस सेंटर लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि क्या बोलता है सर्विस वाला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट लग रहा है इसके पास पेपर डॉक्यूमेंट पूरी कंप्लीट नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो वही चेक करते हैं गाइस कि वो सर्विस सेंटर वाला क्या बोलता है, कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं इसकी सर्विस। और गाइस मैं बता दूं कि गुरुवार के दिन, आज है शनिवार, गुरुवार के दिन अपनी अपाचे पार्क हुई थी वहाँ पे, जहाँ पे साइकिल पार्क है वहाँ पे, ठीक है। तो उस दिन कुछ ऐसा सीन हुआ कि जो अपनी अपाचे है गाइस, इसके ऊपर बंदर कूद गया था, ठीक है। तो कूदने की वजह से बाइक अपनी गिर चुकी थी, और गिरने के बाद मैं दिखाऊँ आपको कि क्या सीन हुआ है। तो ये जो अपनी क्लच है गाइस, मैं आगे ले लेता हूँ थोड़ी, हाँ, तो ये जो अपनी क्लच है गाइस, ये क्लच देखो बैंड कर दिया, दिख ही नहीं रहा है गाइस, चेक करो, पूरा नीचे साइड जा रहा है, क्लच में दिक्कत हो गई है। और दूसरी चीज़ पता है क्या प्रॉब्लम हो गई, और ये देखो अपने हैंडल जो मोड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो गाइस मेरा हाथ नड़ रहा है यहाँ पे, ये दिक्कत हो गई, यानी हैंडल बैंड हो गया है गाइस, तो करना पड़ेगा। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इधर कितना सारा गैप है, बट इधर लोचा हो गया है। तो कोई नहीं गाइस, तो अभी फिलहाल में सागर की बाइक सर्विस में देने के आते हैं। कुछ दिन में गाइस TVS के सर्विस सेंटर भी जाएंगे, और इसके जितने भी काम है, वैसे भी देखो ये सब टूटा हुआ है, ये देखो ये सब टूटा हुआ है, फिर स्क्रेचेस यहाँ पे लगा हुआ है पड़खे में, तो ये जितने भी ये सब इंश्योरेंस कंप्लीट करवा देंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे नवी नक्कोर जैसा। और वैसे भी इसकी सर्विस बाकी है, अभी तो सर्विस भी कराना है, तो एक साथ में सब कंप्लीट करवा देने का है। तो गाइस मेरे YouTube चैनल D0Riderman है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलते हैं सागर की बाइक सर्विस सेंटर देते हैं। फाइनल गाइस निकल चुके हैं सर्विस सेंटर के लिए, और मेरे को ये बाइक चलाए 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद ये गाड़ी चला रहा हूँ। इसकी बाइक अभी सर्विस दे देंगे, अभी खुल तो गई होगी, अभी बज रहे हैं 11 बजने में 15 मिनट बाकी है, और इसकी बाइक सर्विस देने के बाद साथ में आ जाएंगे एक बाइक से घर पे, यानी कि हाँ इसको घर पे छोड़ देंगे हम, और फिर शायद उसकी 4 बजे तक गाड़ी रेडी हो जाएगी, फिर साथ में जाएंगे और इसकी बाइक सर्विस सेंटर से उठा लेंगे गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई इसको कितनी आराम से चलानी पड़ती होगी, ऊपर टच होने में इतना सा गैप है, खाली इतना सा गैप ऊपर, चेक करो खाली ऊपर इतना सा गैप है खाली। क्या हो गया क्या, यानी कुछ भी, कैमरे में आने के लिए कुछ भी, आवाज दे के भाई, देख रहे हो भाई, क्या करना क्या चाहते ये लोग। ओ भाई भाई, अभी 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 ये ठोकता भाई, अंदर घुस जाता। भाई वो सर्च कर रहा है, सागर की बाइक पे लिखा हुआ है ना उसका यूट्यूब चैनल, तो वो सर्च करके देख रहा है। कितना दूर है, यहीं पे ही है। ये रहा ये रहा,
के आ चुके इसकी गाड़ी सर्विस सेंटर पे, और 4:30 बजे तक आएंगे इसकी गाड़ी ले जाएंगे वापस। 4:30 बजे तक कार हो जाएगा कंप्लीट, पर अभी बज रहे हैं 11, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 घंटा, 5.5 घंटे में इसकी पूरी सर्विस हो जाने वाली है गाड़ी, और इंजन ऑयल भी चेंज हो जाएगा। सागर बोल रहा था कि मोटुल का डाल देते हैं अंदर, बट ये लोग बोल रहे हैं कि मोटुल का डलवाओगे अगर बाहर से तो तुम्हारा जो इंश्योरेंस का वगैरह होगा वो पास नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए बजाज का ही डलवा रहे हैं। निकल चुके हैं गाइस, अभी चलते हैं गैरेज के ऊपर, तो आज सागर को किडनैप कर लेंगे, गैरेज से जाने नहीं देंगे इसको घर पे। आज तू घर नहीं जाएगा, आज तू मेरे बाइक पे बैठा है, समझ गया? अब जो मैं चाहूंगा वही करूंगा खाली। सही बोल बे, क्या बंदा है तू यार। गाइस ने कितनी बड़ी भूल किया पता है, अभी जहाँ पे सर्विस सेंटर गए थे वहां पे इसकी जो चाबी थी की उसके अंदर इसने अपने घर की चाबी फिट करके रखा था, बताओ, और ये निकालना भूल गया। चल अब तेरा खाना पीना मेरे घर पे, अब कमलेन ले लेते, पता नहीं चलता कि चाबी अंदर है घर की, तो मैं जाऊंगा घर पे, तो घर पे कैसे जाऊंगा, लॉक कैसे खोलूंगा। क्या यार, यार गजब किया इसने तो यार आज। फिर से जा रहे गाइस जहाँ पे अभी हमने सर्विस सेंटर पे गाड़ी रखा सागर की, अभी फिर से वहां पे जा रहे, क्या करे अब, एक छोटी सी गलती धक्का खाने वाला काम करवा रहा है ये। गधे को याद नहीं रखना चाहिए कि यहाँ मेरी चाबी भूल गया हूँ मैं वहाँ पे। फिर से धक्का हो रहा है, अभी एक तो शाम को जाना है वो अलग ही, शाम को बाइक लेने जाएंगे वो अलग ही, और अभी जो अभी जो खाली चाबी लेने जा रहे हैं वहाँ पे सर्विस सेंटर पे, बताओ घर की चाबी। जब दुकान पे दूध लेने बैठा, जब पेमेंट किया, तब इसको याद आया यार कि मेरी यार चाबी तो यार बाइक के साथ ही रह गई। बोलता है जाना पड़ेगा यार लेने के लिए। देख भाई पहले बता रहा हूँ, और भी कोई चीज हो ना यार बाकी तो ले लेना, भी पता चला तीसरा धक्का तू करवाएगा। मिली गाइस, तो इसने अपनी चाबी ले चुका वापस से, डबल धक्का खाना पड़ा, ज्यादा नहीं अभी तीसरा धक्का बाकी है जो शाम को खाना ही है। तो कोई नहीं गाइस, अब इसको फटाफट से घर पे छोड़ के ही आते हैं, क्योंकि ये साथ में रहेगा तो मेरे को लग रहा है कि और भी मेरे काम बढ़ते जाएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। तो चलो फिर मिलते हैं डायरेक्ट गैरेज पे। A few moments later. Finally guys, तो गैरेज पे पहुंच चुके हैं, सागर को घर पे ड्रॉप कर दिया, और अभी सामने खड़ी है अपनी अल्टो, तो आप चेक कर सकते हो अल्टो पे भी जो अपने साइड मिरर होते हैं राइट और लेफ्ट दोनों चेंज कर दिए। लगभग 4-5 दिन हो गए चेंज किए, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं सोचा चलो आज बता देते, तो चेक कर सकते हो। मस्त एकदम, पहले जो था एकदम नॉर्मली था, एकदम जो सादा सिंपल आता, ये वाला कांच गाइस अल्टो K10 का फिट है, क्योंकि जो पहले था जो इसके अंदर वो पता नहीं कहाँ देसी का था, तो अभी अल्टो K10 का लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अपनी CNG फिट हो चुकी है, तो मैं आपको दिखा दूं गाइस एक बार, तो चेक करो गाइस अपनी CNG यहाँ पे फिट है, और ये 8 किलो का टाकी है वैसे, और इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो गई ये CNG फिट करने के चक्कर में, जो हमारा यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ था इतना मस्त, एक और यहाँ पे दो भाई इतना मस्त, जिसका साउंड आता था जिसका जवाब नहीं, बट गाइस क्या करें, इस CNG को फिट करने में इधर फिट नहीं हो रहा, क्योंकि ये नट जा रहा है कि नीचे मैग्नेट टाइप आता है वो नट जा रहा है यहाँ पे। तो अब इसका स्पीकर का सेटिंग गाइस सोच रहे कि यहाँ पे करेंगे अपने ऊपर डिक्की के पास, यहाँ पे होल करवा के करेंगे, तो अभी तो नहीं कुछ दिन टाइम लगेगा इसको करवाने में, क्योंकि इसके अंदर कटिंग वटिंग करवाना है, और अभी गैरेज पे थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है, तो अभी अल्टो में कुछ हो भी नहीं फिलहाल में गाइस। अभी बज रहे हैं 12:10, तो अभी सागर की बाइक जो लेने जानी है वो सर्विस से 4:30 बजे आने वाली है, तो 4 बजे सागर के घर जाके उसको पिकअप करना है, और वहां से जाएंगे डायरेक्ट
सर्विस सेंटर बजाज के, वहाँ से गाड़ी लेके आते। तो गाइस अब आपसे डायरेक्ट मिलेंगे सर्विस सेंटर जब गाड़ी ले जाएंगे तब। गाइस A few moments later. गाइस फटाफट से निकलते हैं सागर के घर पे, और अभी टाइम हो रहा है 4:45 बाकी है 5 बजने में, और सबसे पहले फ्यूल अप भी कराएंगे। फ्यूल की लाइट ब्लिंक कर रही है। एक सौ अस्सी का डालना। चुके हैं सागर के गली के बाहर गाइस, और इसको फोन करते हैं। अच्छा चलो ये बाहर ही है वैसे। क्या बात है भाई, तेरे जैसी स्पीड थोड़ी है मेरी भाई। तू जिस हिसाब से चलाता है ना, उस हिसाब से मेरी स्पीड नहीं है भाई। गाइस सागर को उसके घर से उठा लिया गया है, तो अभी जा रहे हैं हम सर्विस स्टेशन पे बजाज के। और फोन ऑन आया क्या तेरे पास सागर? इस सर्विस वाले का सागर के ऊपर 3 बार कॉल आ चुका है, और इसने मेरे को फ़ोन किया लगभग आधे घंटे हो चुके फ़ोन किया। अरे गाइस तो पहुंच चुके अपने हैं सर्विस सेंटर पे। भाई साहब सागर अभी गाड़ी निकाल रहा है अपनी, उसकी गाड़ी सर्विस हो चुकी है। ये बात ओ भाई साहब यार, पूरी मस्त धो के दिया है, एकदम सर्विस करके दिया है, एकदम पॉलिश वॉलिश लगा के दिया है भाई, एक नंबर भाई। यानी संडे राइड के लिए रेडी, कल मिलते हैं ना, ठीक है ना? चल फिर फोन करूँगा, कल के लिए रेडी रहना, कल संडे, ठीक है ना? चल फिर आराम से जाना, उतावल मत करना, ठीक। चलो भाई उसको जॉब पे जाना था, जल्दी था तो वो जाएगा अभी। उसका फ्रेंड की गाड़ी बंद हो गई है, तो अभी जा रहा है उसके पास ही, तो उसकी हेल्प करेगा अभी। गाइस आज का दिन जैसे तैसे निपट गया, सागर का काम हो चुका परफेक्टली, उसका गाड़ी सर्विस देना था तो, और अच्छी सर्विस करके दिया उन्होंने एकदम मस्त चमका उमका के। और मोटुल का तो नहीं गाइस, अपने बजाज का ही ऑयल डलवा दिया अंदर, बट वो भी बजाज का एकदम परफेक्ट आता है। मैं एडवेंचर में वही वाली डलवाता हूँ, वो सबसे बेस्ट रहता है बजाज का ऑयल वैसे। तो गाइस यहाँ पे ब्लॉग करते हैं एंड, वैसे भी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैसे भी कल संडे ही है, तो बहुत ही मस्त तगड़ी वाली राइड होगी कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।